नमस्कार, पब्लिक एशिया न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में पहले कोरोना पॉजिटिव केस के सामने आने के बाद चंडीगढ़ प्रशासन की भी नींद उड़ गई। चंडीगढ़ प्रशासन के सलाहकार मनोज परिंदा ने सभी अधिकारियों के साथ बैठकर मीडिया के साथ बातचीत की। बीती रात 12 बजे एक युवती का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने क्या कहा, सुनिए। मेडिकल कॉलेज एंड सिम्टम्स आर फाउंड इमीडिएटली दे केप्ट हर इन आवर आइसोलेशन व्हाट दे आर एंड सेंड हर सैंपल टू पीजीआई व्हाट फैसिलिटीज आर अवेलेबल एंड क्विकली एट नाइट वी कुड गेट इट। सो फ्रॉम मंडे टिल वेडनेसडे वी आर एबल टू गेट अ रिजल्ट एंड कंफाइन हर एंड ऑल द कांटेक्ट ट्रेसिंग इज टुडे ऑन and we'll ensure that all of us who are affected will be tested. The contact tracing exercise has been completed or is it? No, it is going on because you know this person must have conducted 100 tests, a big list on their phone, check their symptoms. Basically, we'll check them at the homes so wherever they are. Only 4 people who came in contact have been isolated. Only 4 people are in the first boundary list because they were the family members or others. With whom he has contacted, those details are being collected. Let's see. सर, एक जनरल क्वेश्चन है, जैसे ही पैसेंजर जैसे बाहर से आए हैं, कोई भी पैसेंजर बाहर से आता है उसका वहाँ फॉर्म फिलअप होता है, डिटेल ली जाती है क्या, और क्या जहाँ पर डिटेल ली जाती है एयरपोर्ट अथॉरिटी क्या स्टेट गवर्नमेंट से या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कॉन्टेक्ट करती है, उनको इंटीमेट करती है कि ये पेशेंट है या ये पैसेंजर है, ये बाहर से आए, आपके एरिया का है, कोई ऐसा कुछ? यस, भारत पूरे देश के अंदर ऐसा एक ऑनलाइन सिस्टम बना हुआ है। एयरपोर्ट अथॉरिटी जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेती है और सिम्टोमेटिक ना होने के कारण उसको होम क्वारंटाइन एडवाइस करके छोड़ देती है, उसकी लिस्ट हमारे पास आती है। कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट को लिस्ट जाती है कि ये आपका पैसेंजर से अमेरिका से कहीं से यहाँ से आया है और उसको ऊपर वॉच रखे, होम क्वारंटाइन तो एडवाइस कर दिया है, इट इज एक्सपेक्टेड कि वो अपने आप को होम क्वारंटाइन नहीं करेगा। बिल्कुल, वो कोई डिफाइंड है तो अलग बात है, उसके साथ हमारे पास लिस्ट आ जाती है, हम टेलीफोनिकली उनके संपर्क में रहते हैं। हमारा जो एक सेल है यहाँ पर मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस सेल है, और यदि कोई भी सिस्टम उसके ऊपर डेवलप होता है तो वो देन इट इज एक्सपेक्टेड कि शी विल कॉल अप, ही और शी विल कॉल अप एंड वी विल सेंड अ डेडिकेटेड एम्बुलेंस फॉर दिस पर्पज ओनली, ताकि उसके लाके उसके सिम्टम चेक करके और यदि जरूरत समझी जाए तो उसका टेस्ट किया। देयर टू थिंग्स, वन, व्हाटएवर द गवर्नमेंट इज डूइंग वी वांट टू इन्फॉर्म यू and to use your media facilities to tell people what we are doing and what they should do, and also to find from you what is happening in the city, what are your suggestions, because you are also source of information for us as to what exactly is happening on the field. We get government information, but information from you will be more impartial, and also suggestions from you. That is why I thought it is important that we should fight this battle together and we should take your views, your suggestions, etc. The idea is you have fact finding and not fault finding. तो शुरू करते हैं। पहली खबर तो यह है जो आप लोगों को पहले बता दिया गया है कि एक केस जो डिटेक्ट हुआ है उसका डिटेल्स इस प्रकार है। कल रात 11:30 बजे कंफर्म किया गया है, ये लेडी है, नाम है मिस फिजा गुप्ता, 23 इयर्स लेडी, ये लंदन से आए थे संडे, और मंडे को इनका सिम्टम्स जब देखा गया तो उनको चेक किया गया हमारा मेडिकल कॉलेज में, और वहां वो एडमिटेड हैं अभी भी और उनका टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। तो ये अभी उनका सिम्टमेटिक ये नहीं है क्योंकि बहुत यंग पेशेंट है, इसलिए हमको लगता है कि ये 95% चांस, 99% चांस के तुरंत रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि इमीडिएटली इनका तो कोई सिम्टम्स है नहीं, और ये टेस्टिंग पीजीआई में किया गया था और वहां से पॉजिटिव आया है। इसका चलते हमारा ये भी एक डिसीजन लिया गया है कि जो भी इस तरह से हमें सिम्टोमेटिक आएंगे जो कि फॉरेन रिटर्न हो, और इनको सिम्टोमेटिक अगर पाया गया हमारा कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो हम उनको वहीं पे ही आइसोलेशन वार्ड में रखेंगे और उनका टेस्ट करने के लिए पीजीआई को भेज देंगे। वहां हमें करीब 6 आवर्स में मिल जाता है रिजल्ट, 6 आवर्स तक वहां वेट कराया जाएगा उनको, और रिजल्ट अगर नेगेटिव है तो उनको जाने दिया जाएगा, नहीं तो वही आइसोलेशन वार्ड में उनको रखा जाएगा। ये तो ऑल दोज हु आर रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड एंड हु आर दिस सिम्टम्स। और एक फैसिलिटी हम तुरंत इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि जो विदेश से आए हैं
सिम्टोमेटिक नहीं थे, इसलिए एयरपोर्ट से उनको घर में जाने दिया गया है और घर में वॉच कर रहे, और उनको अगर कोई इस तरह से कफ या इन्फेक्शन या थ्रोट इन्फेक्शन या फीवर इस तरह से आया तो वो खुद आके हॉस्पिटल में चेक अगर नहीं कराना चाहते तो ये हमें फोन भी कर दें, हमारा मेडिकल टीम उनके पास जाएगा अब्रॉड, एंड दोज हु हैव सिम्टम्स उन्हीं लोगों घर से हमें फोन कर दें, हमारा टीम जाके उनको यहाँ ले आएगा, वहीं चेक कर लेगा, उनको रिजल्ट बताएगा। इसलिए किया जा रहा है कि खुद आके यहाँ लाइन में लग के हमारा यहाँ इंफेक्ट ना करें, ये फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ और डिसीजन आज हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब 10 बजे सारे कोऑर्डिनेशन मीटिंग लिए है, जो ये फैसला किया गया है कि अभी क्योंकि ये थर्ड स्टेज में जाने का रिस्क है कम्युनिटी स्प्रेड, और हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ट्रेंड नहीं है कि इस तरह से अगर सस्पेक्टेड केस है तो कैसे हैंडल किया जाए, तो ये जो टीचर्स अभी आइडल है क्योंकि क्लासेस बंद है, उनको और बाकी गवर्नमेंट ऑफिशियल को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी कि यदि वो सिम्टोमेटिक कहीं किसी को देखें तो कैसे उनको हैंडल करें, कैसे रिपोर्ट करें, उसके बारे में ये ट्रेनिंग करेंगे। इसके अलावा जनता का अवेयरनेस के लिए आपने कल देखे होंगे हमारा जो साइन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक है पुलिस डिपार्टमेंट का चार जगह में, उसमें कोरोना के बारे में वार्निंग्स और क्या लेना है डूज डोंट्स बताया गया है, और अभी भी हमारा जो मोबाइल फैसिलिटीज है व्हीकल्स है पुलिस का पीआर का, वो भी शहर में बताया जाएगा हाउ टू बी केयरफुल, ये स्प्रेड किया जाएगा उनको अवेयरनेस के लिए। और ये कम्युनिकेशन क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट का पीआर डिपार्टमेंट अलग अलग है, अलग अलग वार्निंग और डूज डोंट्स बताते हैं, ये सेंट्रली डीपीआर हमारा इसको करेंगे सो दैट देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन इन दिस। और आपको पहले से पता है मगर फिर से बताना चाहूंगा कि ये यदि और स्प्रेड करता है इस शहर में तो हमें जगह जब रखना पड़ेगा क्वारंटाइन के लिए, तो हम ये तीन जगह तो अभी ऑलरेडी हमने आइडेंटिफाई किए थे, इंफोसिस का जो सराई है, इसका अलावा भी हमारा यूटी गवर्नमेंट का जो पंचायत भवन है और हमारा पार्क व्यू होटल है, उसको भी पेमेंट बेसिस में हम अवेलेबल करेंगे फॉर क्वारंटाइन वेरेवर रिक्वायर्ड, और गवर्नमेंट को अगर कंपल्सरी कहीं रखना पड़ा भी इस फैसिलिटीज को यूटिलाइज किया जाएगा। ताजा और रोचक खबरों के लिए यू ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।